शेरवानी साहब, शहीद मकबूल शेरवानी साहब, शहीद मकबूल शेरवानी साहब, शहीद मकबूल शेरवानी साहब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वीर मुश्ताक साहब जिंदाबाद, वीर मुश्ताक साहब जिंदाबाद। जानकारी इस तरह से हम दे देंगे कि हमारा ये जो मिशन है पूरे हिंदुस्तान भर में इस वक्त ये चल रहा है। घर घर तिरंगा जो है ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलती है। आए दिन आपने देखा होगा हमारे नॉर्थ कश्मीर में, हमारे साउथ कश्मीर में, हमारे सेंट्रल कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो यहाँ आज जो शहीद मकबूल शेरवानी, उनको हम पूरे मुल्क की तरफ से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज उनको जो हमने उनके इस मज़ार पर उनका हमारे कौमी झंडा जो हमने वहाँ चढ़ाया, ये इस बात का सबूत है और इस बात की अकासी करता है कि हम सारे जो हैं पूरे हिंदुस्तान के हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा भारत महान है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक ऐसे जो शहीद मकबूल शेरवानी के मज़ार पर आज तक किसी सरकार ने ऐसी कोशिश या ऐसी पहल नहीं की है। ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने ये अपने जान निछावर कर दी है मुल्क और कौम के लिए, उनके लिए आए दिन आपने सुना ही होगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री सक्सेना साहब जो हैं, उन्होंने एक ऐलान किया सरकार की तरफ से, जो भी हमारे जवान, चाहे ऑफिसर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे फौज का हो, जो मुल्क पर शहीद होता है, उनके नाम पर डिफरेंट जगहों पर स्कूल्स, कॉलेजेस या बड़ी बड़ी ये जो हैं हमारे जो इंडस्ट्रियां हैं उनके नाम पर रखी जाएंगी। इस बात की अकासी करता है ये कि हम पूरे शद मद से, हम पूरी दिलचस्पी से हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। आज हमारे कुरैशी साहब जो हमारे इंचार्ज हैं युवा के, वो श्रीनगर से आए हुए हैं। हमारी बहन जो है स्टेट की सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा जी, वो इसमें हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम जो है वो इसमें हैं। हमारे जो इसके इंचार्ज हैं हामिद भट्ट, जो तिरंगा इंचार्ज हमारे हैं, वो इसमें हैं। हमारे फयाज साहब जो हैं ओबीसी के प्रेसिडेंट, आई मीन टू से जितने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स जो भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हम सब इस वक्त मिल करके इसी मिशन को आगे चलाने के लिए कि घर घर तिरंगा ये कामयाब और शद मत से हम ये चला रहे हैं और आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं एक बात आपसे गुजारिश करूं कि जिस वक्त वो सच झूठ करके कामयाब होते हैं, वो इस झंडे के नीचे ही अपना ओथ लेता है, आईन हिंद के तहत ही अपना ओथ लेता है, तो मेरे ख्याल में उनकी वो बेहुदापन है। जो ये सोचेगा मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात अब नहीं चलेगी। जो चलेगा, हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा भारत का जो, हमारे मुल्क का जो फ्लैग है, इसके इज्जत और ऑनर के लिए इस वक्त हम सब जम्मू कश्मीर के लोग जुट गए हैं। जहां पर ये कम होता था वहां पर आज आप देखते हो सोशल मीडिया के ज़रिए से आप देख सकते हो कि हर जगह शद मद से, दिल से चाहते हैं हम तिरंगा को। आज
नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमने मकबूल शेरवानी जी की मज़ार पर आज अपना झंडा लगाया है, क्योंकि मकबूल शेरवानी जी जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, और वो रियल हीरो हैं। और आज हम पूरे सभी लोग यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मौजूद है, और हकीकत के साथ हमने यहाँ झंडा लगाया है मज़ार पे। और ये हम बताना चाहते हैं कि हर घर तिरंगा जो है प्रोग्राम, जो कैंपेन चल रहा है, तो इसमें सभी पूरे देश का ये फेस्टिवल है, और पूरे कश्मीर में भी ये इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आने वाले टाइम में 15 अगस्त पे हर घर झंडा आपको देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कश्मीर से कि यहाँ हर घर में तिरंगा है, हर हाथ में। बिल्कुल, इंशाल्लाह रहमान हम पूरी सफल हो गए इसमें, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी भी लेंगे, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर घर तिरंगा का आदेश मिला है, और इस चीज़ का हम पालन करेंगे। और आज का जो दिन था, हमने अपने शहीद मकबूल शेरवानी के मज़ार पर हमने आज ये श्रद्धांजलि इसको पेश की, क्योंकि जिन्होंने इस मुल्क के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को निशावर किया है, उस चीज़ को हम आज सलाम करने आए थे। और इंशाल्लाह रहमान हर घर तिरंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश मिला, और जल्द आने वाले कल में आप देखोगे हर घर, हर इंसान, हर जवान, हर बहन और माँ के हाथ में ये तिरंगा होगा। क्योंकि जिस तरह आप देखते हो कि मैं ये कहता हूँ मीडिया के, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जो इस कश्मीरी को टेररिस्ट समझते, आतंकवाद समझते हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हमारा कफन दफन हमारे तिरंगा को सलाम करके हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि इस तिरंगे को हम इंशाल्लाह रहमान इज्जत देंगे। तो मिशन था वो फेल हो गए, आर्टिकल 370 पर जिस तरह वो सियासत करते थे, 35A पर वो सियासत करते थे, अब उनने सियासत जो की है वो तिरंगे पे सियासत करते हैं। मैं चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, इनको पाकिस्तान भेजिए, क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और पाकिस्तान के गीत गाते हैं, यहाँ पर एक बात करते हैं कश्मीर में, दिल्ली जम्मू में दूसरी बात, और दिल्ली में तीसरी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इनसे बढ़कर दहशतगर्द कोई नहीं है जो तिरंगा पे सियासत करते हैं। बिल्कुल वो सही है, क्योंकि इसलिए सही है कि मुझे बताओ, जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात अगर करें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब जिस सिक्योरिटी जो उनकी थी वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी थी, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी नहीं थी। अगर वो वाकई पाकिस्तानी होते तो उन्होंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्यों रखी है, उन्होंने उस सिक्योरिटी को जवाब क्यों नहीं किया है? वो दफ्तर भी हिंदुस्तान का ही है, वो दफ्तर भी हमारा ही है, मगर हम दूसरे मुल्क की सियासत उस दफ्तर में नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो हमारा हक है, वो जम्मू एंड कश्मीर का खून है, वो हमारा ऑफिस से, वहां पर सिर्फ तिरंगा ही लहराया जाएगा, और अदर किसी मुल्क स्टेट का, जिस तरह जो हमारे मुल्क दुश्मन है उनका परचम वहीं लहराने नहीं देंगे। तो इसीलिए हमारी जो पूरी टीम जो है हर घर तिरंगा की, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है, मेरे साथ मेरे मुदस्सिर साहब हैं, गुलाम हसन साहब हैं, हरजीत ड्यूक जी हैं, मोहम्मद रफीक साहब हैं, और भी बाकी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी ज़मन में जो है हर घर तिरंगा कंपेन जो है, ये जो मोमेंट है, ये हमने स्टार्ट की है आज बारामूला से, और ये आगे भी जो है हम जारी रखेंगे। बारामूला के हर एक हिस्से में जो है हर घर जो तिरंगा पहुंचाने का एक हमारा मकसद है, इसमें हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कामयाबी हासिल करेंगे।